नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में चुनावी बिसात बिछाने के लिए आज एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहे हैं। ये पहली बार होगा जब इंदौर संभाग में पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, और इस दौरान वो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें संबोधित करेंगे, रूठे हुए कार्यकर्ताओं को भी मनाएंगे, और एक बड़े पैमाने पे जो भाजपा की रणनीति रही है इंदौर के मालवा निमाड़ संभाग में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने की, उस रणनीति पर भी वो इस बार ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। 66 सीटें आती हैं मालवा निमाड़ में, और पिछले चुनावों में 2018 के इसमें भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि इन सीटों पर से ज्यादातर सीटों पर किसानों की आबादी ज्यादा है, आदिवासियों की आबादी ज्यादा, और किसानों के लिए एक बड़ा वादा कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में किया था कर्ज माफी का, और इसका फायदा बड़े पैमाने पर मालवा निमाड़ संभाग में या अंचल में कांग्रेस को हुआ था, क्योंकि वहां पर किसानों की कर्ज माफी का बड़ा मुद्दा बना था और किसानों ने भर भर कर कांग्रेस को वोट दिए थे। इस बार ऐसा ना हो, किसानों को किस तरीके से साधना है, नाराज कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मनाना है, इस रणनीति के तहत इंदौर संभाग को चुना गया है, और यहाँ पर अमित शाह न केवल कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उन्हें जीत का मंत्र देंगे, बल्कि उन्हें ये भी बताएंगे कि अगर उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी है, पार्टी से कोई नाराजगी है, तो किस प्लेटफॉर्म पर उसे उठाएं, कहाँ पर वो अपनी नाराजगी को दूर कर सकते हैं। पहले ही शीर्ष नेताओं को ही कह दिया गया है कि अगर स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की, नेताओं की नाराजगी दूर नहीं होती है, तो शीर्ष नेतृत्व को सामने आना होगा, उन्हें नाराजगी दूर करनी होगी, फिर भले ही वो मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, या कैबिनेट मंत्री हो, दूसरे बड़े नेता हो, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हो, या फिर कैलाश विजयवर्गीय की बात हो, ये तमाम लोग जो हैं अगर जरूरी होगा तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि कांग्रेस ने पिछली बार जो कर्ज माफी का वादा किया था, भाजपा ये आरोप लगाती रही है कि कर्ज माफी जो है वो नहीं हो पाई थी, इसको लेकर के भी कांग्रेस को घेरने की रणनीति इस कार्यकर्ता सम्मेलन में की जाएगी। अब अमित शाह के ये जो ताबड़तोड़ दौरे और बैठकें हो रही हैं, वो इतना तो साफ कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ा चेहरा शिवराज सिंह चौहान का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, लेकिन चुनावी प्रबंधन जो है वो पूरी तरीके से अमित शाह के हाथों में होगा, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि 18 दिनों के भीतर 3 दौरे जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह को करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये संकेत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी मध्य प्रदेश जैसे अति महत्वपूर्ण राज्य को हल्के में नहीं लेना चाहती, और इसीलिए यहाँ पर ना केवल लगातार बैठकें हो रही हैं, बल्कि अमित शाह जो हैं लगातार दौरे करके भारतीय जनता पार्टी का पूरा चुनावी प्रबंधन अपने हाथ में रखे हुए हैं, ताकि कहीं से कोई भी कसर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ना रह जाए, और कहीं अगर किसी तरीके की एंटी इनकम्बेंसी पार्टी से नाराजगी जैसे कोई फैक्टर है, तो उसे समय रहते दूर किया जा सके।